तो फिर मोदी ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने विकसित भारत के लिए विचार और सुझाव मांगे हैं। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, मेरे प्रिय परिवारजन, आपका और हमारा साथ अब एक दशक पूरा होने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग, समर्थन से जुड़ा ये मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। मेरे परिवारजनों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित सरकार ने जो ईमानदार प्रयास किया है, उनके सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्के मकान, सभी के लिए बिजली, पानी, गैस की समुचित व्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना के जरिए इलाज की व्यवस्था, किसान भाई बहनों को आर्थिक मदद, मातृ वंदना योजना के जरिए माताओं बहनों को सहायता, जैसे अनेक प्रयास सिर्फ और सिर्फ इसलिए फलीभूत हो पाए हैं क्योंकि आपका भरोसा, आपका विश्वास मेरे पर था। विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ते भारत ने बीते एक दशक में जहां बुनियादी ढांचों का अभूतपूर्व निर्माण देखा, तो वहीं हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक एवं राष्ट्र धरोहरों के पुनरुत्थान का साक्षी बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा को सहेज कर आगे बढ़ते देश पर आज हर देशवासी को गर्व है। यह आपका विश्वास और समर्थन ही था कि GST लागू करना, धारा 370 समाप्त करना, 3 तलाक पर नया कानून, संसद में महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नए संसद भवन का निर्माण, आतंकवाद और नक्सलवाद पर कठोर प्रहार जैसे अनेक ऐतिहासिक और बड़े फैसले लेने से हम चूके नहीं। लोकतंत्र की खूबसूरती जनभागीदारी और जन सहयोग में है। देश हित के लिए बड़े फैसले लेने, बड़ी योजनाएं बनाने और उन्हें सुचारू रूप से लागू कर पाने की शक्ति और ऊर्जा मुझे आपके विश्वास और सहयोग से ही प्राप्त होती रही है। विकसित भारत के निर्माण में जिस संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है, उसकी पूर्ति में मुझे आपके विचारों, सुझावों, साथ और सहयोग की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और समर्थन हमें निरंतर मिलता रहेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास बिना थके, बिना रुके अनवरत जारी रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, आपका नरेंद्र मोदी। और अब लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, SP ने जारी की 6 प्रत्याशियों की लिस्ट, तो मेरठ से भानु प्रताप